गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में नया चैप्टर मैपिंग योर वे, ये मैप से रिलेटेड चैप्टर है। मैपिंग योर वे ये 8th चैप्टर है, तो इसके बारे में रीड करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। मैं रीड कर रहा हूँ। आशी इज़ गोइंग टू इंडिया गेट टू सी द रिपब्लिक डे परेड विथ अदर चिल्ड्रेन ऑफ हर स्कूल। जो आशी है, रिपब्लिक डे के दिन इंडिया गेट देखने जाती है, जो वहाँ पर परेड होती है इंडिया गेट पे अपने स्कूल के बच्चों के साथ, ठीक है ना। एज द चिल्ड्रेन सेटल डाउन दे हियरिंग समथिंग अबाउट इंडिया गेट ऑन द लाउड स्पीकर। जैसे वो सेटल डाउन होते हैं, तो वैसे ही इंडिया गेट पे एक लाउड स्पीकर से एक आवाज़ आती है, टू द राइट ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया गेट, मीन टू द राइट ऑफ द प्रेसिडेंट, मीन प्रेसिडेंट के राइट में क्या है, इंडिया गेट है। दिस वॉज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ द इंडियन सोल्जर हु डाइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये जो इंडिया गेट बनाया गया था, ये किसकी याद में बनाया गया था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, प्रथम विश्व युद्ध के जो इंडियन सोल्जर थे, जो भारतीय सैनिक थे, उनकी याद में, जो प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक मारे गए थे, मतलब शहीद हुए थे, उनकी याद में ये इंडिया गेट बना था, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर लॉट ऑफ द पीपल सिटिंग ऑन बोथ साइड ऑफ राजपथ। वहीं पर राजपथ पर बहुत सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए, उनके रोड के दोनों तरफ, ठीक है ना। द मेन रोड अलॉन्ग विच द परेड पासेज, जहाँ से जो परेड गुजरनी थी, ठीक है ना, रोड से गुजरनी थी परेड। चिल्ड्रेन आर टॉकिंग अबाउट द बिल्डिंग दे कैन सी अराउंड देम। दो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे और बिल्डिंग के बारे में बात, वहाँ पे जो बिल्डिंगें दिखाई दे रही थी उनके को देख रहे थे, जो आसपास थी, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पर एक बच्चा कहता है, लुक अदिति दिस इज इन इंडिया गेट। कहते हैं, ये देखो इंडिया गेट है, देखो ये इंडिया गेट है, ठीक है ना। सर टोल्ड एज द राष्ट्रपति भवन फेसिट इंडिया गेट, सो द लास्ट बिल्डिंग ऑन योर राइट साइड मस्ट बी राष्ट्रपति भवन। सर, यहाँ पे एक बच्चा बोला है कि सर ने बोला था कि जो राष्ट्रपति भवन है वो इंडिया गेट के फेस के सामने है, फेसेस मतलब है, उसके सामने है। सो द लास्ट बिल्डिंग, इसलिए जो लास्ट बिल्डिंग ऑन आवर राइट साइड, जो राइट साइड पे लास्ट बिल्डिंग है, ये राष्ट्रपति भवन ही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, यहाँ पे हियर इज अ फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम हेलीकॉप्टर। यहाँ से हेलीकॉप्टर से एक फ़ोटो ली गई है, ठीक है ना, ये हेलीकॉप्टर से फोटो ली गई है। यू कैन सी द राजपथ द रोड विच ज्वाइंस इंडिया गेट टू द राष्ट्रपति भवन, मार्क वेयर राजपथ विल अदिति बी। आपको यहाँ पे मार्क करना जहाँ से वो रोड निकली हुई, जहाँ द रोड विच ज्वाइन इंडिया गेट, जो रोड इंडिया गेट को ज्वाइन करती है राष्ट्रपति भवन को, ठीक है ना। मार्क वेयर द राजपथ विल अदिति बी, वहाँ राजपथ पे आपको भी मार्क करना है जहाँ पे अदिति और वो बच्चे जहाँ पे थे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मैप में बताना है, ठीक है ना। तो ये फोटोग्राफ है और ये मैप है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अदिति कहाँ है और इंडिया गेट से और राजपथ भवन को रोड कहाँ जाती है। देखो ये इंडिया गेट है, फोटोग्राफ में देखो ये इंडिया गेट दिख रहा है, और ये जो रोड जा रही है राष्ट्रपति भवन को जा रही है, तो ये राष्ट्रपति भवन है, ठीक है ना। ये उससे हेलीकॉप्टर से फ़ोटो ली गई है, और यहीं पर अदिति इसी रोड पर है, तो वो आपको मार्क करना है। तो ये राजपथ रोड है, ठीक है ना, ये राजपथ रोड है, ठीक है, ये जो वाली जो रोड दिख रही है, ये वाली, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन में। नीचे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैच द मैप एंड द फोटो। आपको मैप और फोटो में कुछ मैच करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन अ मैप ऑफ सिटी, क्या आपने सिटी का मैप देखा। लुक एट द मैप नंबर वन, आपको ये वाला मैप देखना है। मैच इट विथ द फोटो एंड फाइंड वेयर द इंडिया गेट इट। आपको ये पता करना है कि मैच करना है कि जो फोटो से और जो मैप दिया है वहाँ से फाइंड करना है, मैप में फाइंड करना है कि इंडिया गेट कहाँ पे, वेयर इंडिया गेट इज़, ठीक है ना। ड्रा इट ऑन द मैप, और मैप पे ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो आप चलेंगे, तो मैप को अगर हम ले चलते हैं मैप की तरफ, ठीक है ना। यहाँ पूछा गया ना कि हैव यू सीन ए मैप ऑफ सिटी, लुक एट मैप, मैच इट विद द फोटो एंड फाइंड आउट वेयर इंडिया गेट, ड्रा इट ऑन द मैप। आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे मैप में इंडिया गेट कहाँ पे है, उसको फोटो और मैप से कंपेयर करते फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये मैप दिखाई दे रहा है और ये फोटो है, ठीक है ना। तो यहाँ इंडिया गेट कहाँ होगा, ये रोड जा ही रही है, ठीक है ना, ये एक पहले कोई, ठीक
है ना, सर्कल दिखाई दे रहा है, इस सर्कल के आगे फिर इंडिया गेट है, मीन्स ये जो वाला पॉइंट है ये क्या होगा, ये इंडिया गेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दिखा देना कि ये इंडिया गेट है, और ऐसे लिख देना इंडिया गेट, ठीक है ना। हमने IG लिख दिया है, इसका मतलब क्या, ये इंडिया गेट है, ठीक है ना। यहाँ पे मार्क कर देना है आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम रोड्स आर शोन इन द पार्ट ऑफ द मैप, लुक फॉर देम इन टू द फोटो। कुछ रोड जो मैप में दिखाए गए हैं वो आपको फोटो में भी बताना है कि वो दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो जब हम फोटो की तरफ चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे कुछ रोड दिखाई दे रही हैं, जैसे ये कस्तूरबा गांधी मार्ग है, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड है, तिलक मार्ग है, फिर जनपथ, राजपथ, रफ़ी मार्ग, ठीक है ना, विजय, ये सब रोड दी गई हैं, मानसिंह रोड, ये सब रोड दी गई। तो यहाँ से आप ध्यान से देखें तो ये आसानी से इनको दिखाई दे रहे हैं कि ये रोड है, सभी रोड अच्छी से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको इसमें लिखना है कि द रोड शोन इन द मैप आर क्लियरली विजिबल इन द फोटो। जो रोड मैप में दिखाई दे रहे हैं वो फोटो में भी क्लियरली विजिबल है, बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर ऐसे लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रोड दैट यू विल क्रॉस ऑन वे ऑफ द राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। आपको उन रोडों के नाम बताना है जो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट आने में जाने में तक वो बीच में जो रोड पड़ते हैं उनके नाम लिखने हैं, ठीक है ना। तो अगर हम वहाँ पे राष्ट्रपति भवन इंडिया गेट के बीच के बारे में देखें तो ये देखो राष्ट्रपति भवन है और ये इंडिया गेट है, ठीक है ना। तो यहाँ आने में जो जो रोड पड़ रहे हैं वो आपको सभी रोड रखना है, रफ़ी मार्ग है, फिर जनपथ, मानसिंह रोड, ठीक है ना, ये सभी रोड जितने भी रोड हैं वो सब आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। तो ये आपको लिख देना है, मैं आपको बाद में लिख के बता दूंगा। और फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे लुक फॉर द नेशनल स्टेडियम इन द मैप, कैन यू सी इन द फोटो। आपको मैप में नेशनल स्टेडियम दिखाई दे रहा है जो मैप नंबर 1 में है, क्या ये फोटो में भी आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए मैप में अगर देखें तो ये देखिए ये नेशनल स्टेडियम है, ठीक है ना, लेकिन क्या आपको ये मैप में दिखाई दे रहा है, तो मैप में ये विजिबल नहीं है, ठीक है ना। द नेशनल स्टेडियम इज सीन इन मैप नंबर 1 बट इट इज़ नॉट सीन इन द फोटो। तो मैं इसके आंसर लिख के बता दूँ, तो कैसे लिखना है आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिए हैं। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या था कि आपको ड्रा द इन द इट ऑन द मैप, आपको इंडिया गेट पे मार्क करना था, तो ये मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है ना, मैप पे इंडिया गेट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रोड बताने थे कि जो रोड मैप में दिखाई दे रहे हैं क्या वो फोटो में भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ इसका आंसर लिख देना, रोड शोन इन द मैप आर क्लियरली विजिबल इन द फोटो। जो रोड मैप में दिखाई दे रहे हैं वो क्लियरली विजिबल है, ठीक है ना, जैसे ये सब रोड दिखाई दे रहे हैं क्लियरली, ठीक, जो जहाँ को जा रहे हैं। नेक्स्ट है, द नेम रोड दैट यू क्रॉस ऑन द वे अप फ्रॉम राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के जो बीच वाले रास्ते पे, बीच वाले मार्ग पे आपको जो रोड गया था उसमें जो 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 रोड क्रॉस करने पे पड़ते थे वो रोड के नाम बताने थे। तो मैंने लिख दिया है ये, द नेम ऑफ रोड आर रफ़ी मार्ग, मानसिंह रोड एंड जनपथ, ठीक है ना, ये सब 3 रोड हैं जो आपको वहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट है, लुक फॉर द नेशनल स्टेडियम इन द मैप 1, कैन यू सी इट इन द फोटो। क्या ये आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, मैप में नेशनल स्टेडियम दिखाई दे रहा है लेकिन फोटो में नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो लिख दोगे द नेशनल स्टेडियम इज सीन इन द मैप 1 बट इट इज़ नॉट सीन इन द फोटो। ये इस तरीके से इनके आंसर लिख देना है, ठीक है। तो आज की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज इतना ही, बाकी फिर नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।